नाउ स्टूडेंट्स, लैंडस्केप ऑफ सोल के पहले लेक्चर में आप लोगों ने जाना कि क्या कॉन्सेप्ट है मेल पावर एंड फीमेल पावर का। हमने ये भी जाना कि किस तरह से हर कल्चर में, चाहे वो हिंदू कल्चर हो, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, कोई भी धर्म हो, वहां पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों तरह के पावर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, और जहां पे जो दोनों पावर्स मिलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट इन दिस वर्ल्ड। हमने जाना दो तरह की फिलोसफीज को। एक तरफ चाइनीज पेंटर वू दाओजी थे, ये रहे वू दाओजी, फेमस चाइनीज पेंटर, जिनको एक एम्परर ने एक लैंडस्केप का पेंटिंग बनाने के लिए कहा और उन्होंने एक गजब का पेंटिंग बनाया और अंत में वो खुद ही उसके अंदर चले गए। थ्रू दिस ही वांटेड टू प्रूव टू द वर्ल्ड एंड टू द एम्परर दैट यू मे ओन द लैंड बट यू डोंट ओन मी। तुम इस धरती के राजा हो सकते हो लेकिन तुम मेरे राजा नहीं हो। ओके, द सेकेंड थिंग वॉज अबाउट अ फेमस ब्लैकस्मिथ, लोहार, क्विंटिन मैक्सिस। क्विंटिन मैक्सिस को एक पेंटर की बेटी से प्यार था, ही वॉन्टेड टू मैरी दैट गर्ल, but the painter told that he would not wish to have a son-in-law as a blacksmith. to usko galat prove karne ke liye Quentin wahan pe jate hain, uske hi canvas ke upar ek fly, ek makhi banate hain jisko chhitakne ya jhadne ki koshish ke chakkar mein us painter ko realize hi nahi hota ki ye to painting hai, ye to paint ki hui. wo use apne hi school mein admission de deta hai, train karta hai. और क्विंटिन मैक्सिस दुनिया का महानतम पेंटर बनता है। ये दोनों फिलॉसफीज के ऊपर भी समझाया गया कि एक तरफ जो एशियन फिलॉसफी है वो सोल के ऊपर बेस्ड है, स्पिरिट के ऊपर बेस्ड है, इनर हैप्पीनेस के ऊपर बेस्ड है, इनर पीस के ऊपर बेस्ड है, जबकि जो वेस्टर्न कल्चर, चाहे फिर वो यूरोप हो, चाहे फिर वो अमेरिका हो, वो दोनों कल्चर्स जो है वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड है ऑन द आउटर वर्ल्ड। फर्क समझिएगा, एशियन कल्चर हमको सिखाता है कि आप एक पेंटर के व्यू से ना देखें, आप एक एक, एक पिक्चर को किसी भी एंगल से शुरू कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में चाइनीज स्क्रोल वर्टिकल स्क्रोल पेंटिंग का कॉन्सेप्ट भी दिखाया था। अब दूसरी तरफ जो यूरोपियन कल्चर है या जैसे वेस्टर्न कल्चर भी कहा जाता है, वो क्या चाहता है, वो देखना चाहता है, वो आपको दुनिया दिखाना चाहता है अपने नजरिए से कि जैसे मैं देखता हूं वैसे दुनिया को देख। ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। आई थिंक मैंने यहां कंसेप्चुअल स्पेस तक करवा दिया था, यहां से हमें शुरू करना है। एम आई करेक्ट बेटा, पेज 36 से? सर आपने फिगर पेंटिंग तक करवाया था, बस फिगरेटिव पेंटिंग तक ये पैराग्राफ पूरा करवा दिया था बेटा। एनीवन? यस सर, करवा दिया है। पैराग्राफ मैंने करवा दिया, पेज 35 पे मैंने छोड़ा वो था। स्क्रॉल वाला आपने दिखाया था आपको हमने। मुझे 36 से शुरू करना था। चलिए, दिस कॉन्सेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, लिटरली माउंटेन वाटर, which used together represent the world landscape. अब एक landscape में होता क्या है? एक तरफ mountains है, एक तरफ पानी है, which used together represent the world landscape more than two elements of an image. These represent two complementary poles reflecting the Taoist. ये बेटा word को याद रखिएगा, Taoist. जब आप किसी व्यक्ति की philosophy को follow करते हो तो उसमें ist या ism लगता है, जैसे हिंदुइस्ट, इस्लामिस्ट, क्रिश्चियनिस्ट, बुद्धिस्ट, उसी तरह से डाओइस्ट, या उसमें रिलीजन में चले जाओ इज्म, हिंदुइज्म, इस्लामिज्म, समझे बेटा? व्यू ऑफ द यूनिवर्स, ये वु दाओजी का कॉन्सेप्ट है। द माउंटेन इज यांग रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, व्हाइल द वॉटर इज यिन, यांग एंड यिन, ये चाइनीज नेम्स है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के लिए, हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, फ्लूइड, मॉइस्ट एंड कोल्ड, कूल। द इंटरेक्शन
जहां पे ये दोनों मिलते हैं. द इंटरेक्शन ऑफ द यिन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग एक्टिवेट एक्टिव एंड मैस्कुलिन इज ऑफकोर्स अ फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म. तो जहां पे स्त्री शक्ति और पुरुष शक्ति का मिलन हो वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है डाओइज्म का, वो एक्चुअली हर रिलीजन का कॉन्सेप्ट है. व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एलिमेंट द मिडिल वॉइड. वॉइड का मतलब होता है खाली जगह, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस. जहां पे ये दोनों ताकतें एक हो जाती है तब जाके सृष्टि का सर्जन होता है. दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम. इसको योगा की प्रैक्टिस प्राणायाम के तौर पे भी देखा जा सकता है. ब्रीद इन रिटेन ब्रीद आउट, सांस अंदर लो रोको और छोड़ो. द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स. द मिडिल वॉइड इज एसेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, हेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप. यही वो चाइनीज लैंडस्केप है जहां पे पेंटर ने एंट्री की और सब कुछ छोड़ के चला गया. This is also where man finds a fundamental role. In that space between heaven and earth, he becomes the conduit of communication. Conduit ka matlab hota hai medium. Between both poles of the universe, his presence is essential even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peaks. He is Francoise Chang's wonderful expression, the eye of the landscape. Francoise Chang Chinese painter थे, उनका जो पेंटिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया था आई ऑफ द लैंडस्केप, ये वही है. बेटे कहने का अर्थ क्या है, कहने का तात्पर्य क्या, आप जिस जगह पे हो धरती, ये स्वर्ग और नर्क के बीचों बीच है. आप डिसाइड कर सकते हो आप दुनिया में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो. हम सब एक ऐसे पॉइंट में है जहां से हम अच्छा भी कर सकते हैं बुरा भी कर सकते हैं, और हम ही मीडियम है. ओके okay.